ग्वालियर के शिंदे की छावनी स्थित कांग्रेस कार्यालय पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 37वें शहादत दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस, सेवादल एवं महिला कांग्रेस नेत्रियों ने रक्तदान कर इस आयोजन को सफल बनाया। महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष डॉक्टर रुचि गुप्ता ने बताया कि हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की शहादत दिवस पर राष्ट्रीय महिला कांग्रेस एवं प्रदेश महिला कांग्रेस के नेतृत्व में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, जो कि रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा आयोजित किया गया। उन्होंने आगे कहा कि इंदिरा गांधी हमारे लिए वीरता, प्रेरणा का प्रतीक थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगा दिया, इसलिए इनसे बड़ा जनसेवक महिलाओं के लिए नहीं है। आज 31 अक्टूबर हमारी प्रथम महिला प्रधानमंत्री आदरणीय स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी का शहादत दिवस है, और इस शहादत दिवस पर हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नेता डिसूजा जी और प्रदेश अध्यक्ष हैं महिला कांग्रेस अर्चना जायसवाल जी, उनके नेतृत्व में ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है, जो कि रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा आयोजित किया गया है, और ये शिंदे की छावनी अपने कार्यालय पर। जो इंदिरा गांधी जी हैं हमारे लिए वीरता का, प्रेरणा का प्रतीक थी, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी, अपना खून का एक एक कतरा देश की सेवा में लगा दिया, तो उनसे बड़ा जनसेवक हम महिलाओं के लिए मतलब बहुत बड़ा प्रतीक है जनसेवा का। और उसी शहादत पर यहाँ महिलाएं भी ब्लड डोनेट कर रही हैं, और रेड क्रॉस चूँकि इनका मतलब जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उन तक ये ब्लड पहुँचाते हैं और ज़रूरतमंदों तक ये ले जाते हैं, तो इन्हीं के नेतृत्व में हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। और मैं इंदिरा जी को उनकी शहादत पर उनको शत शत नमन करती हूँ। हमारी अपडेट खबरें देखने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।